आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपकी सीएससी वीएलई है तो सीएससी सर्टिफिकेट आप किस तरह डाउनलोड कर पाएंगे, वो भी आप अपनी फोटो के साथ। जब भी आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड किए होंगे, कुछ इस तरह सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, लेकिन इसमें आपको आपका जो फोटो है वो नहीं दिया गया था, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह दिया गया था। जहाँ से आप ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कीजिए किए थे, वहीं से जाकर अगर फिर से इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करते हैं, फिर से आपको यही सर्टिफिकेट दिया जाता है बिना फोटोज़ के। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह आप फोटोज़ के साथ कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरा फोटोज़ है हमारे सर्टिफिकेट में, तो ये कैसे आप निकाल पाएंगे अपना सर्टिफिकेट आप विद फोटो के साथ। यहाँ पे मैं फ़ोटो कोई एडिट करके नहीं लगाया हो, सीएससी की तरफ जन दिया गया है मुझे एक सर्टिफिकेट जिसमें हमारा फ़ोटोज़ भी है। ये देख लीजिए 18/6 यानी कि आज के ही डेट में, ये डेट ऑफ इशू आज के ही डेट में सर्टिफिकेट इशू किया गया है, ठीक है। और सेम सर्टिफिकेट सिर्फ इसमें फ़ोटोज़ नया है। तो किस तरह अगर फिर से आप जाके डाउनलोड करते, फिर से आपको बिना फ़ोटो वाले सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह अपना सर्टिफिकेट फ़ोटो के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो किस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर पर मिलती रहे। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया, register.cse.gov.in, इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, नहीं तो आप ब्राउजर में सर्च करेंगे register.cse.gov.in, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सीएससी आईडी अपना देना होगा, सीएससी आईडी देंगे, उसके बाद इस कैप्चर को यहाँ फिलअप करेंगे। कैप्चर फिलअप करने के बाद यहाँ पे टिक मार्क लगेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने से पहले आपको अपना सिस्टम में अपना जो बायोमेट्रिक डिवाइस है, मंत्रा मार्ग जो भी आपका बायोमेट्रिक डिवाइस है उसको कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद ही सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे टिक मार्क लगेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करेंगे, आपके मशीन पे लाइट चलेगी, वीएलई का यहाँ पे फिंगर लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं वीएलई खुद तो फिंगर लगा चुका, यहाँ पे जैसे ही फिंगर लगाया तो ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट कर दिया कुछ इस तरह का, ठीक है। अब जो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट का ऑप्शन, सर्टिफिकेट के ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे सर्टिफिकेट जनरेट करके दे देगा, लेकिन अभी जो दे रहा है मुझे फोटो के साथ दे रहा है क्योंकि मैंने फोटो अपलोड किया था, ठीक है। तो अगर आप इस सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कुछ इस तरह का, जिसमें आपका सर्टिफिकेट पे फोटो नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ से अपने अकाउंट की पूरी डिटेल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, अपने सीएससी की पूरी प्रोफाइल को यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे प्रोफाइल आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, और यहाँ से आप केवाईसी अपडेट भी कर सकते हैं। केवाईसी अपडेट करने के लिए मोबाइल नंबर, केवाईसी डॉक्यूमेंट, नेम वगैरह और बैंक का अकाउंट डिटेल वगैरह आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से अकाउंट सेटिंग देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको दिखा रहा आपका सीएससी आईडी एक्टिवेट है, सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डैशबोर्ड पर चलते हैं और आपको बता दें किस तरह आप अपने सर्टिफिकेट को फोटो के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अपलोड करनी होगी। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ केवाईसी अपडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप केवाईसी अपडेट पर क्लिक करें, यहाँ पे पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको चार ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे अंतिम वाला जो ऑप्शन एमएज को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड कर लेना है जिसकी साइज 20 KB से कम होनी चाहिए। तो यहाँ ब्राउज पर क्लिक करेंगे, जैसे ब्राउज पर क्लिक करेंगे फ़ोटो की जो साइज़ होनी चाहिए वो साइज़ 20 KB से कम होनी चाहिए। यहाँ पे 20 KB से कम की साइज़ की जो फ़ोटो वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, ये देख लीजिए। उसके बाद यहाँ अपडेट बटन भी क्लिक कर देंगे। फ़ोटो आपको पहले सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद अपलोड करना, इमेज हैज बीन अपडेट सक्सेसफुली, हमारा जो इमेज वो अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम फिर से यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, जैसे ही डैशबोर्ड पर क्लिक करें उसके बाद यहाँ पर आप जो सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, तो अब सर्टिफिकेट पर क्लिक करने के बाद कुछ चीज़ तक सर्टिफिकेट आ गया है, और यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करने को भी बोला जा रहा है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट देख सकते, सर्टिफिकेट पे फोटोज़ भी है, और यहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने शॉप पे लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी इन्हें सेव कर लेते हैं, तो मैंने सेव कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फ़ोटो के साथ, और आज की डेट में मैंने फ़ोटो अपलोड करके इशू करवाया, तो यहाँ पर आज का डेट यहाँ पर दिया गया है। पूरा डिटेल सर्टिफिकेट सेव आपको पुराना जैसा ही दिखने को मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे आपको फोटोज मिल जाएगा।
यहाँ मैंने कोई फोटो एडिट करके नहीं अपलोड किया, यहाँ पे मैं CSC की वेबसाइट पर जाकर फोटो अपलोड किया। अपलोड करने के बाद यहाँ फिर से सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें फोटो के साथ सर्टिफिकेट जनरेट करके दे दिया जाता है। तो आप भी अपना सर्टिफिकेट फोटो के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक छोटा सा प्रक्रिया के साथ सिर्फ फोटो अपलोड करना, फोटो की साइज आपको 20 KB से कम रखना है। अगर 20 KB से ज़्यादा आपकी फ़ोटो की साइज होती है तो वो अपलोड नहीं होगा। अगर आप मोबाइल नंबर वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं तो अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को चेंज करेंगे तो यहाँ पे देंगे, KYC डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो यहाँ पे, नेम जनरल डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है यहाँ पे, सेटलमेंट बैंक अकाउंट जो दिया गया जिस पे आपका किसी तरह का पेमेंट आता है तो वो अकाउंट चेंज करने के लिए यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका नाम सॉफ्ट नेम यहाँ पे जो एक नया अकाउंट देंगे उस होल्डर का नाम, IFSC कोड, ब्रांच का नाम, ब्रांच कॉन्टेक्ट नंबर, अकाउंट नंबर, उसके बाद सेविंग अकाउंट करेंट, उसके बाद यहाँ पे क्या आप दे रहे, पूर्व में कैंसिल चेक दे सकते हैं, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड को सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल, यहाँ पे पैन कार्ड को नंबर इंटर करना है, उसके बाद वेरीफाई करके आपको अपडेट कर देना था, आपका नया बैंक अकाउंट अपडेट हो जाएगा। इसी तरह जो भी चीज़ को आप चेंज करना चाहते आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल नंबर चेंज करेंगे, मोबाइल एंड ईमेल पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर न्यू मोबाइल नंबर देंगे, अपडेट सेंड OTP भी क्लिक करेंगे, उसको OTP जाएगा, OTP इंटर करके आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद अपना CSC पासवर्ड और DGPay पासवर्ड चेंज करने के लिए अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करेंगे। तो जैसे अकाउंट सेटिंग किया, आप क्या चेंज करना चाहते हैं, DGPay पासवर्ड या CSC पासवर्ड, या DGPay पासवर्ड को सेलेक्ट करेंगे, न्यू पासवर्ड देंगे, यहाँ पे न्यू पासवर्ड कंफर्म करेंगे, उसके बाद अपडेट कर देंगे, यहाँ पे नया पासवर्ड आप बना सकते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि डिजिटल सेवा पोर्टल यानी कि CSC का ID आप चेंज करना चाहते हैं क्या, यहाँ पूछ रहा है कि आपके पास पुराना पासवर्ड पहले से आपको मालूम है, तो यस करेंगे, अगर नहीं मालूम तो नो कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर नो करते हैं तो आपके पास एक OTP आता है आपके रजिस्टर मोबाइल पे, यहाँ आपका मोबाइल नंबर का शुरू का 4 अक्षर और अंतिम का 4 अक्षर आपको दिया जाता है, उस OTP को यहाँ फिलअप करेंगे, नया पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे नया पासवर्ड कन्फर्म करेंगे, अपडेट कनेक्ट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आपको किसी भी तरह का सवाल है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, अगर किसी भी तरह का सवाल आप इंस्टाग्राम पर हमें पूछ सकते हैं।